अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया। मेरे ख्याल से आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी और वीडियो का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। मौसम जो है ना काफ़ी रोमांचिक है। सही है ना, BMW का लोगो चेक करें उस्ताद। अच्छा जी, वो लोगो घूमता है। तो अभी हम सरूर से जाएंगे बोशर। बाकी जो मामलात हैं रास्ते में वो आप देखते जाइए, मौसम भी देखिए और रोमांचक फीलिंग तो आप फिर ले ही लेंगे, क्योंकि जब गल्फ में बदल होते हैं ना तो पानी तो आता ही आता है, साथ में लुत्फ भी आता है। और अगर आपको आवाज़ में थोड़ा अजीब सी लग रही है तो भैया वो अभी तक सेहत इतनी स्टेबल नहीं हुई, मतलब इतना रिकवरी जो है ना स्लो स्लो होगी इंशाल्लाह ताला खैर। इसलिए जो है ना आओ तो यहाँ से जो है ना दिल फरेब नज़ारे शुरू हो जाएंगे। मस्कत के सामने पहाड़ और पहाड़ के बच्चे इंशाल्लाह ताला खैर। ईसा जब आएगा तो फिर उसकी बात तो है कि उसका डायलॉग है पहाड़ के बच्चे। तो ये रोमांचिक सीन है भैया। अभी हमें कुछ दोस्त भी मिले थे, कुछ नहीं दो मिले थे, और उनका शुक्रिया सरूज में, क्योंकि हमारा ऑफिस मेन जो है वो सरूज में ही है तो वो अलफेयर इधर है, ठीक है ना। बल्कि आप यही सोच लें कि हम अपने स्टूडियो स्टूडियो से निकल के घर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ना, ज़्यादा ये सवाल पर्सनली किया जाता है ये सबको, क्योंकि अभी आइडिया हो चुका है कि हम शो ऑफ नहीं करते और हमारा जो है ना वो मन भी नहीं करता कि ये चीज़ें बतानी चाहिए। भैया गैजेट्स हमारे पास सारे हैं, सिर्फ वीडियो एडिटिंग का या वीडियो कहीं और जाकर बनाने का टाइम नहीं है, वरना हम जो है ना मत मारते। तो ये सीन है, सारे गैजेट्स हैं, अच्छे अच्छे कैमरा हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अडोब प्रीमियर नहीं है, ठीक है ना, सारे सॉफ्टवेयर हैं। और इवन के अब लोगों को थंबनेल बनाना नहीं आता है। मेरा थंबनेल भी शायद इतना अच्छा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बंदा क्रिएटिव है, यानी उसका माइंड जो है सही तरफ काम करता है, तो वो छोटी मोटी एप्लीकेशन से ही बड़े दिल फ्रेब जो है चीज़ें बना सकता है। जिस तरह मुझे ज़्यादातर लोग पूछते हैं, भैया थंबनेल किसमें बनाते हो, तो भाई वो जो आजकल पूरी दुनिया में, हाँ उर्दू जो है ना, यानी बोलने और लिखने वाले लोग जो हैं, या कह लेंगे पाकिस्तान, मोस्टली पाकिस्तान में 70% लोग आज जो है ना वो यूज़ करते हैं, अल्लाह आपका भला करे, उर्दू डिज़ाइनर। सही है, वो फ्री में भी है, वो फुल फीचर में भी है। फ्री और फुल का इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या कि अगर फुल हो तो वो भी सस्ता है, 2-4 हज़ार रुपये का, शायद 2 हज़ार रुपये सस्ता, 1 साल की उसकी सब्सक्रिप्शन। और उसमें क्या कि ऐड वगैरह नहीं आपको देखनी पड़ती भाई, कुछ फॉन्ट्स वगैरह अनलॉक हो जाते हैं। तो ये रोड नहीं बनी है, और बादल जो है ना आज एक ही कलर के, यानी फुल घने बादल है। वो नहीं है कि काले पत्थर इतना चढ़न गए थे उतर वसन के, ऐसा नहीं है। और आज दोपहर 3 बजे तक तो फुल गर्मी थी, और जुकाम जो है ना हमें हो चुका है ये ठंडी गर्मी की वजह से। 2 दिन गला खराब रहा है, अभी जुकाम हो गया है, अभी जुकाम 5 दिन लगाएगा उस्ताद। हाँ 1.5 दिन गुजर गया है और 1-2 दिन और लगेंगे। बीमारियाँ जो है ना वो स्लोली स्लोली। और एक और आपके लिए पर्सनली नसीहत है कि जो है ना अल्लाह आपका भला करे, क्या बोलते हैं उसको, क्या 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 बोलते हैं, कभी भी कोई बीमारी हो ना तो आप उसको ये मत सोचें कि यार की हो गया, मैं इतना कर देना सीखे सेहतमंद होगा आज। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती है। बीमारियाँ जो हैं वो वैसे भी इंसान के जिस्म का जो है ना वो ज़कात सदका है, ज़कात है, यानी जिस्म की ज़कात निकलती है। और बीमारियों के बाद इंसान जो है वो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, और थोड़ा जब बंदा मुश्किल में होता है, बीमार पड़ता है, लाचार होता है, तो अल्लाह ताला की याद भी आती है, ठीक है ना। तो
हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला के तरफ से है और उसमें कोई ना कोई राज है और वो राज हमें समझना है, ठीक है। तो हमेशा यही समझें कि बीमारी अल्लाह की तरफ से है और इसमें कुछ हमारे लिए हदायत है, जो वो हदायत पा गया वो कामयाब है। तो सब्र कीजिए और हमेशा जो है दूसरों को भी यही तलकीन कीजिए। और तीसरा यह भी कि बीमारों की इयादत के लिए जाइए, लाजमी नहीं है कि आपने अंगूर लेके जाने हैं, फल फ्रूट लेके जाना है और फिर वहाँ बैठ के देखना है कि पाए हूँ साडा लिया साढ़े सामने रखा, ऐसा नहीं, ठीक। आपने अपनी तरफ से करना है और फिर अल्लाह ने आपको देना है, ठीक है ना। बीमार की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, मुसाफिर की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, और भी बहुत सारी इस तरह की हैं कि मसाकीन जो हैं उनकी दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो हमेशा जो है बीमारों की इयादत करें और उनसे दुआएं समेटें, नेकियां लूटें। और एक और भी चीज़ हमेशा, ये हमारा पर्सनल है, अगर आपको लगे कि आप जो है ना भूखे मर रहे हैं, आपकी जो है ना ज़िंदगी में से रिस्क ख़त्म होता जा रहा है, या जी काम नहीं बन रहा, कितने लाचारी मजबूरी ये वो, आप अल्लाह के साथ तजारत करें यानी सदका करें। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इंसान यकीन नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर कि आपको ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच है तो जो अल्लाह ताला आपको अता कर रहा है वो उसमें से थोड़ा सा जो है ना आप दूसरों के लिए भी दें, अंधाधुंध नहीं दें लेकिन आपके इर्द गिर्द होंगे उनको दें, अपने जानने वालों को दें कि भाई आज इनके ऊपर मुश्किल वक़्त है, अल्लाह ना करे मेरे ऊपर भी ये आए लेकिन आज हम मिल के खाएँगे, और अल्लाह आपको आगे मजीद देगा। ये नहीं है कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, आपका रिस्क बढ़ेगा, जिस तरह ऐबे को मर्सिडीज आने ने की। अब बंदे के पास बदमाश गाड़ी हो तो कुछ भी कर सकता है। एनी हो दैट वाज कह लें कि स्टंट तो है ही है, अब इधर से भी घुसेगा इधर। मेरे जहन में उसी के मतलब की बात आ रही थी। एनी हो तो सीन ये है कि मस्कत में हम अपने स्टूडियो से निकल के घर की तरफ रवा दवा है, मौसम आपने देख लिया है, बाकी घर जो है हमारा आज वो भी देख लीजिएगा, हम कैमरा उधर ही जाके जो है ना वो स्विच ऑफ करेंगे, यानी रिकॉर्डिंग तो पहले भी बंद हो सकती है लेकिन हमने कैमरे उधर स्विच करना है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। हम पॉज श्योज नहीं लेते क्योंकि हमारे पास एडिटिंग का टाइम नहीं होता, इसलिए जो है ना हम रॉ वीडियो डालते हैं, जो भी है जैसा है डाल दो। एडिटिंग हमने मेरे ख्याल से अगर 100 वीडियो बनाते हैं तो उसमें से 10 एडिट करते हैं, और इसीलिए हमारा चैनल जो है ना ग्रो नहीं कर रहा। तो ये पैनोरामा है लेफ्ट साइड पे, और राइट जो है ना यहाँ से पेप्सी और वो जो है ना वो NMC हमारा ऑफिस, NMC हमारी मदर कंपनी है, उनका ऑफिस है, और थोड़ा आगे जाके हमारा जो है ना वो स्टे खाना है, यानी रहने की जगह है, स्टे खाना, ये सूरत हाल है। तो वीडियो अगर आपको हल्की फुल्की भी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दिया जी, सब्सक्राइब थोड़ा दिल नहीं करता ना, लाइक ज़रूर कर दिया जी, और बाकी देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है, कहाँ पर क्या क्या सीन है। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ना, ये वाली लीलेजार जहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा वो रहने की जगह है, सही है। तो हमें जाना है इधर, कोठियाँ कार है, सेक्टर 17 है, फलानी नारा है। ओके जी, हाँ, अल्लाह हाफिज़।